मैं ब्रजेश पांडे आप सबका अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टूडेंट। डेली मैं एक एक लेक्चर इसका आप लोगों को अपलोड करता रहूंगा, आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखें और अपना ये चैप्टर कंप्लीटली मेरे चैनल के थ्रू आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में, कुछ और टॉपिक है इससे पहले अगर आप बुक्स में देखेंगे, मगर लास्ट ईयर उन्हें हटा दिया गया था, इस बार मे भी ऐड कर देंगे, मगर अभी सीबीएसई ने क्योंकि लॉकडाउन के करके कुछ सिलेबस कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, मैं पिछले पार्ट को नहीं ले रहा हूँ। हमारा ये चैप्टर बेसिकली स्टार्ट होता है कहां से, जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले कुछ पार्ट लास्ट ईयर सीबीएसई ने काट दिया था, मगर इस बार सुनने में फिर ऐड किया है, उसको मैं बाद में टेकअप कर लूंगा। जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, वैसे आप 9th-10th में सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो हम एटॉमिक बिल्कुल सिंपल जीरो लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर, ताकि छोटी छोटी बारी जो बातें होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं, पहले देख लेते हैं आज के लेक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एटोमिक नंबर क्या होते हैं, एटोमिक मास नंबर, फिर एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है उसकी बात करेंगे, आइसोटोप के बारे में बात करेंगे डिटेल में काफी, इसका यूजेस क्या है, कैसे आइसोटोपिक मास निकाला जाता है, मेडिसिनल यूज की बात करेंगे हम, आइसो बार की बात करेंगे, आइसोटोन्स की, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो डायफर्स क्या होते हैं, आइसोस्टर्स क्या होते हैं, ये सारा डिटेल में मैं इस चैप्टर में इस वीडियो में एक्सप्लेन आपको करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल टर्म और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताऊंगा एटॉमिक नंबर। ये ऐसी डेफिनेशंस हैं जो आपसे याद रखना स्टूडेंट, कभी आपको कोई पेपर में डिफाइन करने को नहीं आएगा, मगर ये बार बार टर्म इस्तेमाल होती है, तो मैं ज्यादा लैंग्वेज के पीछे नहीं जाने वाला, बेसिक पॉइंट आप समझ लीजिए और यही बस नोट कर लेना। कोई क्या एटॉमिक नंबर क्या है स्टूडेंट, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम के अंदर। अब इसमें जब मैं एटम बोल रहा हूं तो इसमें ध्यान रखना चार्ज में होना चाहिए, किसी भी नॉन चार्ज है, सोडियम की बात कर रहा हूं, पोटेशियम की बात कर रहा हूं, तो इनमें जो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर मुझे पता है स्टूडेंट क्या होता है, 11, तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, और प्रोटॉन कितने हैं, 11। मैंने बोला है जब कोई चार्ज ना हो, अगर याद रखना कि अगर चार्ज आ जाता है किसी भी स्पीसीज पे, चार्ज आ जाता है जैसे एन ए पॉजिटिव आ गया, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम नहीं होगी। चार्ज आने पर याद रखना कि केवल इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आर ऑलवेज सेम, चाहे एटम के ऊपर कोई भी चार्ज आ जाए, मगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू चेंज हो जाती है, जितने प्लस आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन आपने कम कर देने हैं और जितना यानी नेगेटिव साइन आएगा उतने इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर देने, मगर प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के ही बराबर होता है। कोई क्या सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रॉन अब कितने हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर तो हमें पता है इसका 11 है, तो एटॉमिक नंबर जितने प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन के केस में कोई डाउट नहीं है, चाहे किसी भी तरह से पड़ा हुआ एलिमेंट, मगर अगर चार्ज आ जाता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, जैसे सोडियम है, अगर एटॉमिक स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है, मगर अगर चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम नहीं होते। इसी तरह हम क्लोरीन की बात करें, एटॉमिक नंबर मुझे पता है 17 है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने स्टूडेंट, 17, और प्रोटॉन कितने हैं, 17, क्लियर है। मगर अगर मैंने कह दिया सीएल नेगेटिव, अब नेगेटिव चार्ज आ गया, प्रोटॉन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट, प्रोटॉन कितना रहेगा उतना ही रहेगा 17, मगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, 17 + 1 = 18। जितना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सपोज करिए, या जितना पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया घट गया, एटॉमिक नंबर है 13 एल्युमिनियम का, 3 पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10, मगर प्रोटॉन क्या रहेंगे सेम 13। H2 नेगेटिव आ गया, एटॉमिक नंबर है 16, तो इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे और प्रोटॉन कितने रहेंगे, फटाफट अपने मन में आप कर लीजिए, कर लिया आपके दिमाग में क्या आया, सर इलेक्ट्रॉन तो 18 हो जाएंगे और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 16। अगर आपके दिमाग तुरंत ये काम कर रहा है तो इसका मतलब आपको बेसिक फंडा समझ आ गया। तो एटॉमिक नंबर से मुझे क्या पता चलता है कि कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट हैं किसी भी एटम के अंदर। अब हम बात करते हैं एटॉमिक, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं स्टूडेंट, जेड से, याद रखना। अब बात करेंगे हम एटॉमिक मास नंबर, स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर आप एटॉमिक मास बोल रहे हैं और एक एटॉमिक मास नंबर बोल रहे हैं, दोनों में अंतर है, क्या है मैं थोड़ा सा बताता हूं देर में, पहले इसको समझ लेते हैं। एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से।
तो एटॉमिक मास नंबर जो ए होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है आपको अगर डिफाइन करने को आ जाए तो आप कहेंगे इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एन से मैं न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पी से मैं प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, मगर आपने अगर याद कर रखा है, जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको याद कराया था क्लोरीन 35.5। अभी जो 35.5 है ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास नंबर क्लोरीन का कितना होता है 17 एटॉमिक नंबर, सॉरी। और एटॉमिक मास की बात करें तो उसके दो आइसोटोप आ जाते हैं, क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35। तो जो मास नंबर की जब बात आती है तब हम नंबर ऑफ प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन के, मगर जब हम एटॉमिक मास बोलते हैं तो ये एवरेज मास होता है आइसोटोप का। तो हम आइसोटोप जब डिटेल में स्टडी करेंगे फिर एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। तो मेरे ख्याल से पहले हम बात समझ लेते हैं कि एटॉमिक मास नंबर क्या है ए। तो ए क्या है, इट द सम ऑफ प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन। सपोज करिए मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एटोमिक नंबर 17 है और मैं कह रहा हूं इसका एटोमिक मास 35 है। तो ये 35 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अच्छा, किसी भी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो भी सीख लो। जो भी एलिमेंट है उसका सिंबल डाल देते हैं, हमेशा ऊपर क्या लिखते हैं स्टूडेंट हम एटॉमिक मास नंबर, और यहां पे क्या लिखते हैं एटॉमिक नंबर। कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप इस साइड भी लिख सकते हैं और इवन कई ऐसे लिखते हैं, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये याद रखना कि हर एक केस में अलग अलग राइटर्स, अलग अलग बुक्स, साइंटिस्ट, अलग अलग वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, मगर सब में ऊपर क्या रहेगा एटॉमिक मास नंबर और नीचे क्या रहेगा एटॉमिक नंबर। आप किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये क्या शो कर रहा है, अब जैसे ये मेरे पास आ गया तो मुझे इस फार्मूले को देख के मेरे दिमाग में क्या क्या चीज आ गई। जैसे मैंने ये देखा तो मुझे पता है प्रोटोन कितने हैं, आपके में सर 17, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं क्योंकि कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, सेम ही रहेगा 17। अब ये क्या है, अभी मैंने कहा सम ऑफ प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन तो 35 है, अब प्रोटोन तो 17 हो गए, अब मुझे न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो न्यूट्रॉन का फार्मूला स्टूडेंट सिंपली क्या हो गया ए माइनस जेड, यानी 35 माइनस 17 आपका क्या हो जाएगा 18। तो मेरे पास न्यूट्रॉन कितने आ गए 18। तो इस तरह बड़े आराम से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोटॉन, यानी अगर आपको सिंबल रिप्रेजेंटेशन कर रखा है तो वो आपको सब कुछ बता रहा है कि उस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं या न्यूट्रॉन है। तो आप बड़े आराम से वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर किसी स्पीसीज पे चार्ज आ जाए, जैसे डिस्पोज करिए ब्रोमीन नेगेटिव, अब मैं इसका एटॉमिक नंबर की बात करूं तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35 और एटॉमिक मास नंबर जो है इसका है क्या 18। ये आपको पेपर में आ गया, कहेंगे ये आपको सिंबल दे दिया, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, याद रखना इनको आपने प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी में भी गिवन है वहां से भी आप करेंगे। तो अगर हम बात करें, कोई कहे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो अगर हम बात करें 35 मुझे दे रखा है, प्रोटॉन के केस में तो हमें सोचना ही नहीं, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन के केस में हमें देखना है कोई चार्ज तो नहीं है, अगर है नेगेटिव है तो बढ़ा दो, पॉजिटिव है तो घटा दो, और नेगेटिव है 35 प्लस 1 36। अब मुझे न्यूट्रॉन निकालने हैं तो क्या करें, जो भी एटॉमिक मास नंबर दे रखा है उसमें से एटॉमिक नंबर को हम घटा देंगे स्टूडेंट, तो यहां पे क्या आ जाएगा 45। तो आपके न्यूट्रॉन कितने हो गए 45, प्रोटॉन कितने हो गए 35, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 36। मेरे ख्याल से आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया होगा, इवन आपने 9th-10th में भी कर रखा होगा, कुछ पॉइंट अगर मिस होंगे तो मैंने सारे अपनी तरफ से आपको कवरअप कर दिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोटोप, आपने पहले भी पढ़ा होगा नो डाउट, मगर आज जरूर मैं कहूंगा कि आप कुछ नया सीख कर जाएंगे जब आप ये वीडियो देखें, एंड तक आप बने रहे, हर एक में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं आइसोटोप की स्टूडेंट, तो किसने दिया, वैसे तो ये नाम कोई साइंटिस्ट की पूछता नहीं है, सोडियम ने फर्स्ट टाइम लिया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट का आइसोटोप। और कोई पूछ ले नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट का आइसोटोप किसने दिया, तो थॉमसन ने दिया था स्टूडेंट नियोन का, ठीक है। अगर हम सोडियम की बात करें तो आइसोटोप के बारे में उसने क्या कहा कि एटम्स
ऑफ सेम एलिमेंट। अब यहां ना डेफिनेशन जितनी भी हम करने वाले हैं स्टूडेंट, इनमें यही बात ध्यान देने वाली है कि जो हम आइसोटोप ले रहे हैं या आइसोबार ले रहे हैं, आइसोटोन्स की बात करने आए, वो सिमिलर एटम के अंदर है या डिफरेंट एटम के अंदर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए जब आप उनकी डेफिनेशन से याद करें, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद हों, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग, अब सेम एटम है तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम, एंड एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट, कि एटॉमिक मास नंबर क्या होगा डिफरेंट होगा। और यहां से मैं थोड़ा सा और इसको अगर ध्यान से बात करूं तो एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। एटॉमिक मास डिफर कर रहा है, अब प्रोटॉन अगर सेम रहेंगे तो एक्चुअल में डिफर क्या कर रहा है, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या करते हैं, डिफर करते हैं। तो कई बार आइसोटोप के लिए ये भी कह देते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। कैसे, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं जो आप वेल आप सबको पता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करें तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अब इन तीनों एलिमेंट में अगर हम स्टूडेंट ध्यान से देखें तो एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, मगर इनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। अगर मैं यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं, वन में से वन जीरो, यहां कोई न्यूट्रॉन, यहां बात करें न्यूट्रॉन की वन, यहां न्यूट्रॉन की बात करें टू। याद रखना अपने आप में हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, एटम है, जहां जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, मगर कौन से में, प्रोटियम। अगर तीनों आइसोटोप की बात करें, ड्यूटेरियम के पास एक है, ट्रिटियम के, सबसे अनस्टेबल कौन है यहाँ पे, ट्रिटियम, रेडियो एक्टिव है, ये दोनों नॉन रेडियो एक्टिव है, ड्यूटेरियम और ये, ठीक है। तो इस तरह हमें आइडिया हो जाता है इनका, ये हमारे क्या कहलाएंगे, आइसोटोप, ठीक है स्टूडेंट। और बात करें जैसे क्लोरीन, वेल नोन आपका एग्जाम्पल है 1735, और दूसरा आइसोटोप क्या है 1737, ये दोनों में क्या है, एटोमिक मास नंबर क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है, एटोमिक नंबर क्या है, सेम है क्लोरीन का। इसी तरह आयोडीन की बात करें, आयोडीन होता है 53 127, आयोडीन 53 131। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस 15 31, फास्फोरस 15 32। और हम बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कार्बन के ले लेते हैं, वेल नोन 6 12, कार्बन 13 6 13, कार्बन 14 6 14। इनमें आप देख रहे हैं कि जो एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट वो तो सेम है, बट एटॉमिक मास नंबर डिफर कर रहा है। कार्बन 14 आप सबको पता है क्या, रेडियो एक्टिव है, कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल होता है, वो बातें भी हम करने वाले हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल है, अप्रोक्सीमेट 800 to 1000 आइसोटोप्स आर डिस्कवर्ड विच आर रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव। उसके बेस पे हम अगर बात करें नेचुरल कुछ आर्टिफिशियल, तो यानी आप समझिए कितना बड़ा अमाउंट है, 800 से लेकर 1000 कितने ज्यादा आइसोटोप डिस्कवर्ड हो चुके हैं। कुछ ही एलिमेंट ऐसे हैं जो आइसोटोप नहीं शो करते हैं, जैसे लिथियम की बात कर लें, बेरिलियम की बात कर लें, तो कुछ ही ऐसे हैं जो बहुत कम करते हैं, और इनके साथ अगर एक आधा कोई परसेंट करता गया तो इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते, बहुत ही कम है। और डिफरेंट डिफरेंट अगर बुक्स में पढ़े, कोई 19 कहता है, कोई 21 कहता है, तो अप्रोक्सीमेट बहुत ही कम है आउट ऑफ 118 हमारे को कुछ ही एलिमेंट है जो आइसोटोप, मैक्सिमम क्या करें आइसोटोप। और जो हम बात करते हैं, जैसे मैं क्लोरीन की भी बात कर रहा था कि इसका एटॉमिक मास क्या होता है 35.5, ये मैं अब लैंग्वेज क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, एटॉमिक मास, मास नंबर नहीं बोला, क्योंकि मास नंबर प्रोटोन और न्यूट्रॉन का समय, ये कभी फ्रैक्शन में थोड़ा ना ऐसा थोड़ा ना आधा न्यूट्रॉन घूम रहा है जी, आधा प्रोटोन घूम रहा है ना, मगर ये फ्रैक्शन में आ गया। अब ये कैसे निकालते हैं वो मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। कुछ और बातें हैं आइसोटोप से रिलेटेड, अभी वन बाय वन हम सारी बातें करेंगे। पहले हम आइसोटोपिक, हमने एटॉमिक ये कर लिया, आइसोटोप्स कर लिया, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप कर लिया। अगर हम क्लोरीन की बात करें स्टूडेंट, न्यूमेरिकल सीबीएसई में भी और कंपटीशन में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं अब आपको कराने जा रहा हूं। आप सबको पता है क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 ये एग्जिस्ट करते हैं, ये एटमोस्फेयर के अंदर जो इनकी अबंडेंस है स्टूडेंट वो क्या है, 3:1। कई बार आपको न्यूमेरिकल में रेशो गिवन होगी और कई बार क्या होगा परसेंटेज गिवन होगी, 75%
एंड 25%। तो दो टाइप से बात होती है, दो टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। जो ही नहीं है कि आपको क्लोरीन की बात है, आर्गन दे सकते हैं आपको, कोई और एलिमेंट कोई भी, कार्बन के 13 तीन आइसोटोप है, तीन यहाँ पे दो की जो है तीन आ जाए, उनके अलग परसेंटेज दे दें, उनके पास अलग अलग रेशियो दे दें। तो किस टाइप से उनका एटॉमिक मास निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट सीख लेते हैं। अगर रेशियो दे रखा है और परसेंटेज दे रखा है, हम निकालते हैं 35.5 कैसे है, रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने क्या करना है, जो भी रेशियो दे रखी है इनटू एटॉमिक मास नंबर जो भी दे रखा है, ठीक है। आपका रेशियो क्या है कार्बन 13, इसकी अगर बात करें तो 3 × 35 प्लस फिर रेशियो क्या है 1 इंटू जो भी एटॉमिक मास नंबर दे रखा है 37। और अपॉन में स्टूडेंट क्या कर देना है आपको, सम ऑफ रेशियो। अब सम ऑफ रेशियो लिखना है, तो सम ऑफ रेशियो स्टूडेंट क्या बनेगा, आप कहेंगे सर 3 + 1 तो ये क्या हो गया 4। अब ये हमारा क्या आ गया, और यहां पे 37 अपॉन 4 तो ये क्या हो गया 142 अपॉन 4 और यहां से क्या आएगा 35.5। तो ये आपका जो हम बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर, तो 35.5 आ गया किसका, क्लोरीन का। तो एक्चुअल में जो 35.5 होते हैं, ये जो मास है इनके आइसोटोप के एवरेज का है, क्लियर है स्टूडेंट। अब इसी तरह मान लो मैं वो परसेंटेज दे रखी है, तब क्या करना है, सेम वही कॉन्सेप्ट आएगा, परसेंटेज इनटू मास प्लस 25 × 37 अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट 100, क्योंकि सम ऑफ द परसेंटेज क्या रहेगा हमेशा 100। अब आप इसे सोल्व कर दीजिए, आपका 35.5 आ जाएगा। तो इस तरह अगर आपको न्यूमेरिकल में आपको परसेंटेज या रेशियो गिवन है, तो वहां से भी आप बड़े आराम से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपको अच्छी तरह नोट डाउन करना चाहिए, स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं, बाद में नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिशन की बात करें या अलग और भी टेस्ट होते हैं प्लस टू के बाद, जो आप जनरल साइंस पढ़ते हैं, HSC की बात करते हैं, और जनरल जो टेस्ट NDA की बात करते हैं, इनमें जो टेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चन जो मेडिसिनल यूज है इसका आइसोटोप का बहुत आता है। हमारे पास जैसे आर्सेनिक 74 आइसोटोप है, तो इसका इस्तेमाल स्टूडेंट हम किसमें करते हैं, ब्रेन ट्यूमर के डिटेक्शन में करते हैं, उसके डिटेक्ट करने के लिए हम आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन 14 का इस्तेमाल हम कार्बन डेटिंग में करते हैं, इसमें करते हैं कार्बन डेटिंग, एज ऑफ फोसिल, अगर मुझे एज निकालनी फोसिल्स की तो उसके लिए कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर दूंगा, कार्बन डेटिंग क्या होती है काफी डिटेल में, इसमें कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशियो चलता है स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें सोडियम का आइसोटोप 24, तो ये क्या करता है स्टूडेंट, डिटेक्शन ऑफ ब्लड कैंसर, एक्चुअल में ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोट को डिटेक्ट करता है सोडियम 24। इसी तरह फास्फोरस 32 जो है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह कोबाल्ट 60 ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। आयोडीन 127 तो नेचुरल है, इसका आइसोटोप क्या होता है 131, आयोडीन 131 इसका इस्तेमाल वाइटर की ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो आप देख सकते हैं जो आइसोटोप्स हैं डिफरेंट एटम्स के, एलिमेंट्स के, दे आर यूज्ड इन मेडिसिनल साइंस के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज कई बीमारियों का इलाज इनके थ्रू हो रहा है, कैंसर जैसे जो भयंकर बीमारी है उसमें भी इसके ट्रीटमेंट हम करें। दैट इज यूटिलिटी ऑफ साइंस एंड केमिस्ट्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, इसी में अगर हम छोटी छोटी बातें करते हैं आइसोटोप से रिलेटेड, तो कुछ बातें आपको याद रखनी है, जितने भी आइसोटोप हैं इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी स्टूडेंट, सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी क्या होगी, सेम होगी। इन सबके एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें वो भी सेम होगा, सेम एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इन सबके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए सेम
केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज इन सबकी क्या होगी, सेम होगी। बट यहां पे एक चीज का डिफरेंस आता है स्टूडेंट कि केमिकल प्रॉपर्टी जैसे केमिकल रिएक्शन तो सेम शो करेंगे बट डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपने कई बच्चों को रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं पता होगा तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूं। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन तो सेम होगी मगर जो उनकी स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी। मान लो प्रोटियम के साथ कोई रिएक्शन कर रहा है, ड्यूटेरियम के साथ कोई रिएक्शन कर रहा है, तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन सेम होगी। फार्मूला जो बनेगा, वाटर की बात करें H2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड की बात करें D2O, फार्मूला सेम बन रहा है मगर जो उनकी फॉर्मेशन में जो टाइम लग रहा है स्टूडेंट वो डिफरेंट होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिफर करता है, इसी को आइसोटोपिक इफेक्ट भी बोलते हैं। थोड़ा सा हायर क्लास में जाओगे तो आ जाता है आइसोटोपिक इफेक्ट क्या है। तो आइसोटोपिक इफेक्ट ये होता है कि आइसोटोप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट दे हैव डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि स्पीड डिफरेंट होगी जिसके बेस पे हम उसे सेपरेट बता सकते हैं कि दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी स्टूडेंट, डिफरेंट होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होगी। कोई पूछे भी क्यों सर डिफरेंट होंगी, क्योंकि इनका मास क्या है डिफरेंट, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा डिफरेंट आएगा, जिसकी वजह से देशो फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या होगी डिफरेंट होगी। तो ये कुछ खास बातें वो थी जो आपको एडअप करनी पड़ेगी अपनी नॉलेज के अंदर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट आइसो बार की। आइसो बार की अगर हम बात करें स्टूडेंट, अब मैंने पहले लैंग्वेज बोला था एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, अब मैं लैंग्वेज क्या बोल रहा हूं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अभी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होंगे उनमें क्या होगा, हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर, जिनका एटॉमिक मास नंबर क्या होगा स्टूडेंट सेम होगा। एटॉमिक नंबर तो डिफर ही करेगा क्योंकि जब डिफरेंट एलिमेंट बोल दिए तो अंडरस्टूड है कि एटॉमिक नंबर तो क्या होगा डिफर होगा। अब जैसे एग्जांपल ले हम, एटॉमिक मास सेम होना चाहिए, तो जैसे कार्बन 6, 14, नाइट्रोजन की बात करें नाइट्रोजन 7, 14, तो इनमें देखिए तो इनका एटॉमिक नंबर क्या है स्टूडेंट डिफरेंट है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की बात करें तो हम यहाँ पे 8, 16 होता है, इसको लेफ्ट कर दें तो नाइट्रोजन की ले। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इनका एटॉमिक मास नंबर मैंने क्या कर रखा है सेम है और एटॉमिक नंबर क्या है डिफर है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे आइसोबार। अच्छा जी, और अगर हम बात करें और एग्जांपल सोचें, आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, पोटाशियम का 19 और कैल्शियम का 20, इन सब के एटॉमिक नंबर क्या है डिफर है मगर जब मास की बात करें तो मास क्या इनका सेम है, दे आर कॉल्ड आइसोबार, इन्हें हम क्या बोलेंगे आइसोबार। अब आप कहेंगे सर पोटाशियम तो 39 होता है, यस पोटाशियम 39 होता है जब हम न्यूमेरिकल करते हैं मगर यहां पे हमने पोटाशियम का आइसोटोप इस्तेमाल कर रखा है, इसलिए ध्यान रखें हमने यहाँ पे मास के लिया है 40। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं जिससे पता चलेगा आइसोबार करते हैं। अब छोटे छोटे पॉइंट जैसे हमने आइसोटोप की बात की थी, ठीक है, तो वो क्या है बेटा छोटे छोटे पॉइंट जो आपको याद रखने चाहिए कि अब ये डिफरेंट एटम है तो इसका मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या करेगी डिफर, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी डिफरेंट होगी, दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। अब एटम डिफरेंट है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर डिफर करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी डिफर करेगी, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती हैं, क्योंकि मास ऑलमोस्ट सेम होता है तो मे बी सम फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, मगर सारी सेम हो ऐसा हम नहीं बोल सकते, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम आर्गन की बात करें तो आर्गन क्या है गैस है, कैल्शियम क्या है सोलिड है, तो हम सारी फिजिकल प्रॉपर्टी वाले में कुछ प्रॉपर्टी सेम हो सकती हैं, ये बात आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हम करते हैं आइसोटोम्स की बात करते हैं। अब देखो जैसे बोलते हैं आइसोटोम्स, एन वर्ड आ जाता है मेरे, मैं इस तरह याद होता हूं यार आइसोटोम्स, तो आइसोटोम्स बोलते हैं मेरे दिमाग में एन आ जाता है, तो यानी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट एटम्स। अब इसमें भी याद रखना डिफरेंट एटम्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, आइसोटोम्स क्या होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट,
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसका क्या होगा सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। अब एग्जांपल की बात करें कि न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए, जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो 17 और इसका आइसोटोप ले रहे हैं 15। तो अगर मैं यहां पे न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन क्या आ जाएगा 8। इसी तरह ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 8 एंड 16, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए 8। इसी तरह और एग्जांपल लें हम कार्बन ले लो, कार्बन का 6 और यहां पे 14। अब 14 में 6 गए तो 8, तो इनमें अगर हमने बात की न्यूट्रॉन कैसे निकाला, आप सबको पता है A-Z, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को मैंने घटा दिया, तो 15 में 7 गया 8, 16 में 8 गया 8, 14 में 6 गए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें वो क्या है सेम है, तो ऐसे उनको हम क्या बोलते हैं एटम्स को आइसोटोन्स। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें आइसोटोन्स के, तो आप खुद भी बना सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ क्या होने चाहिए न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें फ्लोरीन ले लो 9, 19, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए 10। अब ऐसे एग्जांपल कोई और सोच लो जिसमें आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाए 10 आ जाए, जैसे कि ऑक्सीजन का ही ले लो 8, 18, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 10। तो ऐसे जो भी डिफरेंट एटम्स हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट आइसोटोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें आइसोटोन के बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब आइसो इलेक्ट्रॉन यानी हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यानी जिसमें आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम होंगे स्टूडेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम होंगे, जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आप कहेंगे सर इन सब में तो क्या है न्यूट्रॉन अलग रहे, मगर अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं 8, 9, 11 ये इनके एटॉमिक नंबर है। अब चार जगह बात करते हैं 2 नेगेटिव, F नेगेटिव, पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। तो अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूं 8, 9, 11, 12 इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन ही है, मगर अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो नेगेटिव चार्ज होता है तो एड हो जाता है 8 और 2, 10, 9 और 1, 10, 11 में से क्या पॉजिटिव चार्ज है तो घट जाएगा। तो इन सारी स्पीसीज में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं सेम है, बट दे आर डिफरेंट स्पीसीज, दीज दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो इसी को हम क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल में इसके ट्रेंड ऑफ साइज की भी बात करेंगे तो ये आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करें सेम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपटीशन में जाता है, सीबीएसई की बात करें ज्यादातर यहीं तक आता है, मतलब थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव जाते हैं तो ये दो टर्म और इस्तेमाल होती है हमारी आइसो डायफर्स। आइसो डायफर्स में स्टूडेंट आपको क्या याद रखने वाली बात है कि यहां पे न्यूट्रॉन माइनस प्रोटोन अलग बुक में अलग अलग ढंग से लिखा था N-Z, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ प्रोटोन होंगे। तो जो अगर नंबर ऑफ डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर सेम, जिन केसेस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस क्या रहेगा सेम रहता है उन्हें स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं आइसो डायफर्स बोलते हैं। तो ऐसे एग्जांपल कौन कौन से हम ले सकते हैं, जैसे कि मान लो पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम में एटॉमिक नंबर क्या है, आपको फ्लोरीन ले लेते हैं, पोटाशियम में एटॉमिक नंबर क्या है हमें पता है 19 और इसका कितना है 9 और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 39 और इसका कितना होता है 90। अब अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की स्टूडेंट ध्यान से देखना, 39 में से अगर 19 गए तो कितना आ गया 20 और यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं तो 19 में से 9 गया 10,
मगर जो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो 20-19 क्या आ गया 1, और यहां पे न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो 10-9 क्या आ गया 1। तो ऐसे एटम्स जिनका ऐसे डिफरेंट एटम्स जिनका डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन क्या हो सेम आए उन्हें हम क्या बोलते हैं आइसोडाइवर्स। फॉर एग्जांपल की बात करें यूरेनियम 92 होता है 235, और थोरियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 90 और एटोम जो मास नंबर है 231। अब इस केस में भी अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे फिर प्रोटॉन को घटाएंगे तो जो n माइनस p की वैल्यू आएगी वो स्टूडेंट क्या आएगी सेम आएगी। तो ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं आइसोडायफ्रॉस। तो आपको याद रखने वाले पॉइंट है, इन्हें आपने याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इनके एग्जाम्पल से याद करिए आप, ठीक है ना। भूल जाओ तो अपने दिमाग से खुद भी बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये ध्यान रखना कि डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जब सेम आता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं आइसोडायफ्रॉस बोलते हैं। अब हम बात लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं आज का, आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स जो होते हैं स्टूडेंट वो क्या होते हैं आइसोस्टर्स में ध्यान रखना, इनमें नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिन कंपाउंड्स के अंदर, अभी थोड़ा सा हटके टर्म है, जिन कंपाउंड्स के अंदर सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोस्टर्स। एग्जांपल्स की बात करें तो मान लीजिए मेरे पास N2 है एंड CO है। अब यहां नंबर ऑफ एटम कितने हैं स्टूडेंट 2, यहां पे भी कितने 2। अब यहां पे नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2 हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें टोटल की तो नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट 7, और N2 दे रखा है 7 × 14। यहां बात करें कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8, और 6 और 8 करेंगे 14। तो N2 एंड CO हैव सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आइसोस्टर्स। फॉर एग्जांपल की बात करें जैसे N2O एंड CO2, तो नंबर ऑफ एटम की बात करें 2 × 1 = 3, 1 और 2 = 3, नंबर ऑफ एटम सेम है। इलेक्ट्रॉन की बात करें 7 × 14 और 8 कितना हो गया 22। यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें 6 × 8 = 16, तो ये भी क्या हो गया 22। तो अगर आपके नंबर ऑफ एटम और उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सम सेम आता है तो ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स के को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट आइसोस्टर्स। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप सबको पसंद आया होगा और आपने कुछ नॉलेज गेन की होगी। कोई भी पॉइंट अगर आपको डाउटफुल लगता है, कहीं आपको नहीं समझ आया वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, उनको मैं डिटेल में दोबारा फिर और समझा दूंगा आपको, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें ताकि इस टाइम पीरियड को ढंग से यूटिलाइज कर सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।